तो राजनीति में बेशक नया हूँ, लेकिन किसी नेता से नौकरी लगाने का तजुर्बा जो मेरा, मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। अब ये युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने यही देख रहे हैं, सब जितने भी आए हैं अपने जेब गर्म की और भाग गए हैं, घुमड़ के आए नहीं गाँव में, अब ये दिन रात एक बना रहे हैं। इसमें गलत हो जाएगा, क्यों गांव फिर नुका गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, और समस्या बता भी दूंगा इसने डॉक्टर जिया ने, और वह नहीं सरकार भी नहीं की, आदमी भी नहीं, जो आदमी मैं कह दू ने रात ने मैंने फोन कराया, गांव का काम से मेरा इकला कोई नहीं, वो बेटी रोड पांड है, वो गांव की बेटी है, ठीक है, हर एक का काम है, और वह जमीन खाली करवाई थी मैंने, सीएम मिंडो लागे उस पर किसी का ध्यान नहीं, राजनीति वाला का वोट मांगने खातर आ जाए। डॉक्टर साहब आपने कहा था कि कान मरोड का काम, हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, एक मिनट सुन ले, मेरी सुन ले, भाई की सुन ली, सारे सुन लो, ध्यान से सुन लो, खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। आपने भी बताया चुनावी दौर चल रहा है और हर नेता हर समाज सेवी अपना जो काम है वो करने लग रहा है इस टाइम पे, जुलाना के लिजवाना में इस टाइम पे मौजूद हाँ, और डॉक्टर सुरेंद्र लाठर यहाँ पे जो चौपाल कार्यक्रम है वो करने खातर आए हैं, तो बातचीत करांगे डॉक्टर साहब, पहले तो राम राम आपके सभी दर्शकों को, उनके भाई और युवा साथी और कई मेरे दादा चाचा ताऊ भी देख रहे होंगे, उनके बेटे डॉक्टर सुरेंद्र लाठर की तरफ से आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। डॉक्टर साहब देखो यू मोल कुछ ऐसा हुआ है, टाइम भी ऐसा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो पहला आए, बड़े बड़े सपने दिखा कर चले गए और सपने बेच कर ने, और ये सारे के सारे न्यू में कच्छा कच्छा में रह लिए पहला भी, और पहला ही सारा का सारा यो कच्छा में नहीं जाएगा, तो सारे के सारे सपने दिखा कर ने चले जावे हैं, और उसके बाद में उनकी कोई भी टोनिया नहीं मिलता, ना वह आड़ा शकल दिखा कर जाते, ना कड़ियाँ कोई दुख सुख में, तो इनका किस तरह तय भरोसा करे। आप सही बात कह रहे हो, मैं वही समझाने आया हूँ कि जब तक रिपोर्ट कार्ड चेक करके पक्ष पार्टी वाले कभी आपसे पूछ के नहीं टिकट देते, रहसे देते, तो जो टिकट देगा वो उसकी हाजिरी लगाते, जिनको आप लोग रिपोर्ट कार्ड देख के अगर अच्छे आदमी को अपना विधायक बनाओगे और उसमें आगे जो और सामर्थ्य आपके प्यार आशीर्वाद से विधायक से बड़ी चीज होती हो मिलेगा, तो सिर्फ आप आपके लिए काम करेगा, एक अच्छी सोच अच्छी नीत से जिसमें त्याग की भावना हो। और भाई मैं तो अपनी इतनी बड़ी अच्छी खासी नौकरी कर रहा था, मैंने तो सोचा नहीं था कभी मेरे ना परिवार में कोई राजनीति में था कि मेरे परिवार से कोई राजनीति करेगा, मैं तो सब आप लोगों की उम्मीद इतनी बढ़ गई यहाँ के क्षेत्र वालों की, 670 युवा रोजगार क्या लगाए, सब लोग चाहने लगे कि भाई हमारे सब बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, फिर इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग भी च्वाइस की मिले, बड़ी बड़ी और समस्याएं लड़कियों का के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो जुलाना में, तो ये समस्याएं संस्था के माध्यम से और सरकारी नौकरी पर रहते ये शक्ति नहीं थी, और मैं नहीं कर पाता था तो बड़ा दुख होता था, तो ये शक्ति संविधान में राजनेताओं को, विधायक और सांसद में और आम लोगों के वोट में ताकत में है, तो अगर ये प्यार आशीर्वाद देंगे तो ये सारी समस्याओं का समाधान होएगा। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अच्छी सोच रिपोर्ट कार्ड देख के देंगे तो जो ये कच्चे कच्चे में नहीं रहे, ये कोट पेंट आले बन जाएंगे सारे मेरे साथ। तो इस टाइम पे आप युवा साथियों ने काफी कन्वेंस लग रहे हो करण, क्योंकि किसी भी क्वालिफिकेशन का है आप उनकी एक रजिस्ट्रेशन कराने की है, और उनका भीतर एक उम्मीद सी भी जाग गया है कि भाई डॉक्टर साहब कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराओ तो मैं सारे नौकरी लुवाऊंगा, तो देखो ये सपना काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इनका शायद आजम हुआ है ना हुआ है और पूरा नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं आप लानेदार भी हो जाओगे। भाई आप मेरे को अच्छी तरह से जानते नहीं, मैं यहाँ जीन जुलाना क्षेत्र वालों का खून हूँ, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए मेरे को पता है पत्थर पर लकीर खींचने जैसा है, लेकिन मेरा जोश जुनून और 24 घंटे दिमाग में एक बात रहनी कि यहाँ के लोगों के लिए जो काम करना, पहले भी जो कहा करते, मैंने तो सरकारी नौकरी पर रहते हुए 564 बच्चे तो प्राइवेट कंपनियों में और 50 पुस्तकालय खोल में उनके अच्छी काउंसलिंग करके 164 सरकारी नौकरी कर रहे, तो राजनीति में बेशक नया हूँ लेकिन किसी नेता से नौकरी लगाने का तजुर्बा जो मेरा, मेरे से बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो जब जीन जुलाना का खून की अगर बात आवे है तो जो आड़ा था पहला बनकर गया है नहीं, उसका भी खून का ऊपर फिर आप सवालिया निशान उठाने लग रहे हो। भाई मैं तो देखो इतनी बड़ी नौकरी अच्छी खासी, सारे लोग अब भी आज साथी कह रहे थे रे बेटा क्योंकि पसीना में गलिया में घूमने लग रहे, और हम की जिंदगी थी सारा परिवार 15 साल में इतने पैसे की नौकरी छोड़कर
कितना आर्थिक नुकसान हुआ, तो राजनीति में पैसे के लिए तो नहीं आया। अगर मेरे इन इन जो ये बुजुर्ग जितनी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे हैं ना, इनकी आंखों में चमक कि कोई आया है पहली बार झिंझुलाना में कुछ करने के ललक लेके, इनका प्यार आशीर्वाद से जो मिलेगा, अगर मैं जो कर पाऊंगा तो उसके लिए मेरी नौकरी और पैसे तो छोटी सी चीज है। आपने देखा नहीं भाई मैं कितना अंदर से ताकत है, जान भी देनी पड़ेगी। तो उस दिन इन्हें पता लगा, टाइम आने दो, अड़के दिखाओगा इनके लिए, इनका हक लगा के दिखाओगा। वो इस टाइम पे कांग्रेस के कई सारे नेता के ऊपर ईडी की मतलब रेड है वो चल रही है, और आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग करने लग रहे हैं, इस वजह से जानबूझकर ना फंसाया जा रहा है। वो तो लोग बता देंगे, गरीब लोगों का खून चूस के किसानों को बड़े बिल्डरों को पैसे बेच दी जमीन, इनको 25-25 लाख मिले, रोहतक वालों को 50 लाख मिले, गुड़गांव वालों को 1 करोड़ दे दिए, भेदभाव करा, क्षेत्रवाद करा, इतने युवाओं का हक छीन को और को नौकरी दे दी। तो ऊपर वाला तो देखे है, हायर पाप तो लगेगा। तो ईडी सत्ता का दुरुपयोग का, जिसने गलत काम करे केस तो पहले के दर्ज है, कांग्रेस का तो दूसरा एक किस्म से। मेरे ख्याल में तो मेरे बुजुर्ग बताऊं बेटा, या तो कदे अपना जुलाना दिन तो उनका रहा नहीं, दिन भ्रष्ट करके उनको वोट देनी पड़ी। कोई हमने तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रही थी, आगे आपसे ही टक्कर लेने वाले, अब की बार देख लियो कांग्रेस के चौथा नंबर पे नहीं ला देने। कहीं लोकसभा में भी यहाँ तय हार का सामना भाजपा ने करना पड़ा है जी, तो आपने लगा है विधानसभा में इनका मूड पलटेगा? देखो लोकसभा विधानसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा में कई कान रहे, कई कान होते, कई फैक्टर होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल फैक्टर, और फिर कई झूठ भी चल जाते हैं ग्रामीण एरिया में, संविधान को वो कर देंगे। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने इमरजेंसी में लगा के अपने सारे किसान मजदूर गरीब घरों के जो नेता थे, जो उसने भी आवाज़ उठाई, इवन कि आपके मीडिया साथी को भी जेल में ठोक दिया था कि नहीं ठोक दिया, आप देखो तो संविधान से छेड़छाड़, बाबा अम्बेडकर के संविधान छेड़छाड़ करने वाले कौन थे? कांग्रेस के ही लोग थे हमेशा। ये पार्टी जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गरीबों के हक से आरक्षण की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। तो इस टाइम पे यात्रा निकाली जाने लग रही है और हिसाब मांगा जाने लग रहा है, पिछले जितने भी साल हुए 9-10 साल का जो हिसाब है वो कांग्रेस मांगने लग रही है। वो अच्छी बात है, अपने करे कर्मों को याद दिला रहे लोगों को वो हिसाब मांग रहे, लोग उनसे हिसाब मांगेंगे जब भी, तो असली लोगों में जागृति आएगी। वो तो अच्छा काम करे, मैं तो कह रहा हूँ अभी वो अपना कैंपेन जो ना स्लो चला रहे, थोड़ा और स्पीड बनाए, गाँव के हर घर घर जाए, बताएं हिसाब मांगे। जब लोग पूछेंगे मेरा बेटा नौकरी मेरे बेटे की लगनी थी और तगाड़ा की लगी, भाई मेरा इंटरव्यू आया था, मेरे से 6 लाख रुपये मांगने में दे नहीं पाया, मेरा बेटा नौकरी से रह गया, वो लोग मांगेंगे हिसाब। किसान पूछेंगे पानी कितना आया करता रे भाई, बीजेपी पार्टी में कितना आया, अपने दिन जुलाना वालों के कोई सीम हाउस में चाय भी पिलाया करता है क्या कभी? ना जी ना। तो फिर अच्छी बात है, मैं तो और स्पीड बनाए हूँ ताकि लोगों को पुराने उनके कर्म याद आए, ताकि फिर बीजेपी पार्टी कई गुना रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते यहाँ से। अगर ये काम लोकसभा में पहले कर देते हो तो लोकसभा जीतते नहीं बैठे थे हम। कैंडिडेट को देखते हैं, अब ये जनसेवी हैं, इन अपना इतना नुकसान किया है, और पहले नौकरी पर होते भी इन बहुत कुछ किया है जनता के लिए। अब ये युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने यही देख रहे हैं, सब जितने भी आए हैं अपने जेब गर्म की और भाग गए हैं, मुड़ के आए नहीं गाँव में। अब ये दिन रात एक बना रहे हैं, सर्विस पर होते हुए भी हर गांव में जाते थे, कहीं हैंडीकैप्टों का कहीं सब कहीं सब बहुत बहुत कुछ, गरीब से गरीब के घर ये जाते हैं, गरीब के घर जो जा है कोई नहीं का उल्लंघन होता, अपने एरिया के लिए अपनी सीट के लिए सबके साथ तैयार रहते हैं, सच्चे कानून के लिए तैयार रहते हैं। तो जो पहले विधायक बना रखे हैं वो आए हैं आपके? हाँ नहीं आए, हाँ वो है जोड़ी करा है, फिर शक्ल नहीं दिखा दे, चाहे मरो जियो कुछ भी करो, ये फिर आऊंगे फिर नहीं आऊंगे। तो इनके की हिसाब किताब रहा? हिसाब तो हम तो डॉक्टर साहब के साथ सदा है, मेरा भाई रहा इनके साथ तय दिल से है, हम तो यूजा डॉक्टर ने सबकी जबान ने जबत करे, ठीक है। राम राम भाई साहब, क्यों पढ़ रहा चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में बैस और गणित सुनो ना तुम पाचे भी को देवी एमपी वाले में चक्कर में फलाण है बेबी खींच लकड़ी की जलाने लगे थे कैट वो इनको फिर कारण के रहा है कारण का तो जमीन पर काम कौन करते जमीन पर काम करे ना
वो आदमी जीत्या करे जमीन पर काम करया नहीं जा यो है मैं नाल मन है ना दो साल हो लिए धक्के खाते ने डॉक्टर साहब दे फोन करया मैंने जब तीन बार फोन करया तीन बार भाई तेरी समस्या का हल इलेक्शन पाचक करवा देंगे वो आज फोन आवे मैं तेरे तुनु बताओ आज मैं इससे तेरे दिमाग था फिर मैं डॉक्टर जी यार रहने बीच में बोलना नहीं चाहूंगा भाषण दे रहा था मैं इसमें गलत हो जाएगा क्यों गांव फिर नुका है गलत बोल रही हूँ ठीक है और समस्या बता भी दूंगा इसने डॉक्टर जी ने और वाह नहीं सरकार भी नहीं की आदमी भी नहीं जो आदमी मैं कह दू ने रात ने मैंने फोन कराया जो जिला प्रसिद्ध हो बड़ा आई हुए हरियाणा का बोले मैंने लग के दे दी चार से दे रखी मैंने डीसी गए एसपी गए खुले दरबार में मैं एप्लीकेशन लाया सारा सौदा मैं लाया मैं गरीब आदमी भाड़ा भी लग गया है सब क्यों लग गए जिंदगा के लगता को जाके देखा दे दिहाड़ी करनी आदमी और फिर ये कह दे लग के दे दे लक्का लगवा दे पारिक का काम है और वह जमीन खाली करवाई थी मैंने सीमेंट लागे उस पर किसी का ध्यान नहीं राजनीति वाला का वोट मांगने खातिर आ जाए डांडा एक वही बात आ गई सुने स्त्री तो कहवागे दिल खोले कहूंगा मैं स्त्री डॉक्टर साहब आपने कहा था कि कान मरोड़ का काम बिल्कुल कह रहा हूँ कोई बात नहीं मैं कह रहा हूँ एक मिनट सुन ले मेरी सुन ले भाई की सुन ली सारे सुन लो ध्यान से सुन लो जो सामर्थ्य अगर नौकरी पर रहते मैं इसके ये सारे काम करवा पाता तो मैंने राजनीति मान की इतनी बड़ी छोड़ का आने की क्या जरूरत थी ये बड़ी समस्याएं आज समझते नहीं ये ताकत विधायक मेरे सांसद में ही है अधिकारी के कान मरोड़न की मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ घर में नहीं बहू भी आ जाए तो सासू से डर लागे कि नहीं अभी व्यवस्था समझू और फिर भी जो सामर्थ्य है भाई करा ये बाप बैठा कहो डीसी द्वारा फोन करो जिस द्वारा कहो यही फोन करो अब करना ना करना तो उन्हें देखना जो आज सामर्थ्य है कटाक देसी करूंगा कोई देर नहीं है सर मिलन आया हूँ बड़ी आदमी मान रहा हूँ और मैंने सुनी ना भाई बीजेपी में लड़ गया मैंने बड़ी खुशी हुई थी फोन करया मैंने और जमा कहती खूब खुशी यार मेरा तो घर का आयो बाहर का को नहीं गिल हूँ और आगे भी गिल्ला रहूंगा फिर ये है ना जो समस्या नहीं है छोटी छोटी समस्या इन्हें देखो इन्हें देखेंगे ना ये भी अध्यक्ष बना दिया अध्यक्ष ने कराया मोहन बड़ोली बना दिया मैंने मोहन बड़ोली द्वारा फोन कराया मैंने परसों बोला था रात ने 9 बजे 9 बजे वह लक्के दे दी माँ जी कितनी दू लक्के मैंने इतनी दे दी मैंने इतने ज्यादा वीडियो के भी सेक्रेटरी के भी डीसी के भी खुले दरबार में भी जा मैं 4 बजे वह समस्या हल नहीं हो रही मोहन बड़ोली तो आपने एक बार भी लिख को नहीं दी होगी किसते जब रमेश कौशिक की मोर लाग ली थी उसने खाली करवाई वो तो कह रमेश कौशिक तो सबसे बड़ी गोभी खोदनी है वह तो गोभी खोदनी है और फिर दूसरी बात है समाधान हो मेरी गाड़ी में मेरे घर मेरे कमरा में बहुत बड़ी आदमी है एक नंबर का लाग रहा लोग समस्या भी सुन लाग रहा लोग समस्या सुबह 12 बजे बैठे हैं 3-4 बजे तक ऑफिस बैठे फिर फील्ड में जाओ समस्याएं सुने तुरंत समाधान करें रात ने को फोन कर दे जब सर रात ने फोन करें अगले ही पास सोंदे भी काम लागे रहे तो DCSP गए कराए DGP गए ये करें आधा तो ऊँ भी डर लाग गए DGP तो फोन कर दे करा के बीमारी छेड़ दी समझ माई साफ किसी तो करा ले सही करे मंत्री तो करा ले फोन कर हाँ जी एक मिनट नहीं लाओ ये डर रहे हैं फोन कर दिया इन्हें नहीं मेरा यू काम कौन सा अफसर करेगा कौन सा नहीं हो काम हो एक्शन का SDO द्वारा फोन करे SDO काम कर देगा काम तो एक्शन नहीं करना है ये मेरा इन्हें विधायक ने प्लस टू पास है तनख्वाह बनगी रोर बनगी ले गए मौजा अपने 5 साल लुट गए तो भाई सामने के कुछ लग गए है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए वीडियो ने शेयर कर दियो मिलाना स्टेडियम तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम जय जवान जय किसान।